नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नहरी ज्ञान में। आज हम हैं अजमेर ज़िले के केकड़ी उपखंड जल संसाधन विभाग के लसाड़िया माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट पर, एक अर्दन डैम है। आज हमारे साथ है भादरा के सहायक अभियंता जिनकी अभी पोस्टिंग नोहर में है, श्रीमान तिलोक जी टाक, और अजमेर के JNs महिशिखा कुंपावत और ममता सोमोलिया। ये एक मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट है। अभी आप ये देख रहे हैं इसका पिकअप पियर, जो FTL लेवल के बाद ओवरफ्लो होकर डाउन स्ट्रीम साइड में जाता है। और ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, ये है एनर्जी डिसिपेटर बोलते हैं इनको, एनर्जी को रिड्यूस करने का काम आता है। जो ओवरफ्लो सिस्टम लगा होता है, जैसे पानी एक डिजाइन लेवल से ऊपर जाएगा, उसके बाद पानी यहाँ इंपैक्ट करेगा, तो क्या है सिस्टम को डैमेज करता है। डैमेज रोकने के लिए अपने क्या करते हैं, एनर्जी डिसिपेटर लगाते हैं। ये इसकी अपस्ट्रीम है, ये इसका सबमर्जेंस है पूरा। अभी कुछ खाली हो चुका है डैम, नहीं तो इसका फैलाव और ज़्यादा है। और इस तरफ आप देख रहे हैं अर्दन, इसका काम तो ये होता है कि जो इसकी गेज रीडिंग है वो ये नोट करता है। एक मैक्सिमम लेवल आने के बाद ये वार्निंग इशू करता है कि भाई पानी ज़्यादा हो गया। और आपको जो दिख रहा होगा वाइट वाइट, ये एक तरह से इसका ऑफिशियल फसल मान सकते हो, फुल सप्लाई लेवल यहाँ तक पानी इसमें आया हुआ है। जब पानी ऊपर हो जाता है तो क्रस्ट वेयर के दम से नीचे की ओर आ जाता है। अर्दन डैम पर आप देख रहे हो कि पत्थर की रिप्रेप करी हुई है, पिचिंग। ये अर्दन डैम है, ये मिट्टी के कटाव को, इरोजन को रोकने के लिए काम में ली जाती है। यहाँ से अपने कैनाल भी निकाली हुई है, जो स्लूस गेट के माध्यम से, ये आप देख रहे हो, थोड़ा जूम करने पे दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से ये कैनाल निकली हुई है। यहाँ जो दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, वो कैनाल का स्लूस गेट है। यहाँ डिजाइन लेवल पे पानी चलता है। अभी तो जैसे पानी कम है तो चलेगी नहीं, जैसे पानी थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो पानी दिया जाता है रेगुलेशन के अनुसार। इसमें मेंटेनेंस के लिए अपने पास आदमी होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के हैं। जैसे ही सप्लाई बढ़ती है तो पानी कम करना पड़ता है आगे। अभी तो पर्यटन विभाग को दे रखा है, यहाँ मछलियाँ वगैरह पकड़ी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो इम्बैक्टमेंट है सॉलिड होना चाहिए, जिससे इसमें आप पिचिंग कर सकते हैं, जिसके कारण ये ब्रिकेज जो टूटते हैं उसकी संभावना कम होती है। और लगातार जब फ्लड सीजन होता है, उसमें फ्लड सेल गठित होती है, जो हर 2 आवर्स की रीडिंग यहाँ पे ली जाती है, ताकि पता चलता रहे कि किस लेवल पर पानी अपना पहुँच चुका है। ये क्रस्ट जो वियर है, ये डिजाइन होकर निकलती है। ये जो आप देख रहे हो, ये क्रस्ट की वियर है। ये पूरा इसका सबमर्जेंस एरिया है। यहाँ पे तो खेती है, बिकॉज यहाँ पानी नहीं चल रहा। अभी जब पानी चलेगा तो ये खेती नहीं हो पाएगी यहाँ पे। इसका डाटा सिस्टम ऑनलाइन होता है, इसको आप घर बैठे भी चेक कर सकते हो। ये इसके ऊपर इंस्पेक्शन वॉल है, या आप कह सकते हैं इसको एक पैराफिट दी हुई, ताकि अपने मूव कर इसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अभी मौजूदा इसकी डेप्थ 5 से 6 फीट डेप्थ में पानी है, इसके ज़्यादा हाइट नहीं है इसकी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट एंड शेयर।